गीता बहन जी, जैसे कि मनुष्य के सामने परिस्थिति आती है, हर एक के सामने आती है, लेकिन उसको पार करने का तरीका हर एक का अपना अपना होता है। कोई व्यक्ति बहुत सहज रूप से पार कर लेता है, कोई बात नहीं, परिस्थिति आई है चली जाएगी। लेकिन कोई कोई उसमें बहुत भारी सोच लेते हैं, बहुत विचार करने लग जाते हैं, मेरे सामने क्यों आया, ये कब जाएगा। तो वो जो आनंदमय जीवन होना चाहिए उसमें जैसे कड़वाहट आ जाती है, उसमें विष जैसे हो जाता है। तो परिस्थिति को कैसे हम पार करें, थोड़ा सा इसके ऊपर आप प्रकाश डालिएगा। हमारे इस विश्वविद्यालय में यही सिखाया जाता है कि हम कैसे अपनी मन की स्थिति से परिस्थितियों को क्रॉस करें। एक्चुअली बात सारी होती है मन की स्थिति की। अगर परिस्थिति भारी होती तो एक परिस्थिति में दो सिचुएशन ना होती। मन की स्थिति ही परिस्थितियों को कंट्रोल कर सकती है। देखिए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, वैरायटी वैरायटी लोगों को, कारों को देख रहे हैं, सबके चलने का तरीका, सबका ड्राइव करने का तरीका, एंजॉय करने का तरीका अलग अलग है। अचानक रेड लाइट होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लंबा ट्रैफिक हो जाता है। अब जब लंबा ट्रैफिक हो गया तो उसमें हमने दो लोगों को वॉच किया, एक बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, हाथ पांव इधर उधर मार रहा है, उसको इरिटेशन हो रही है कि ये क्या हो गया, एक घंटा बर्बाद हो गया, दो बर्बाद हो गया, अब क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं, इतना इरिटेट हो गया कि बात मत पूछो। इधर उधर भाग रहा है, चिल्ला रहा है, अपना गुस्सा बाहर निकाल के दिखा रहा है। अब कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो मेरे हाथ में नहीं है। अब जो चीजें मेरे हाथ में है, जो सिचुएशन मेरे हाथ में है, उसके लिए तो मैं कुछ प्रयास नहीं करूं। जैसे रेड लाइट की बात बोले आप, रेड लाइट तो सामने आई कहीं, रेड लाइट या एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया, लंबी लाइन, वो सिचुएशन ऐसी है कि वो मेरे हाथ में नहीं है। उसके लिए व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, इरिटेट होना, अपने मन की खुशी खत्म करना, शांति खत्म करना, तो बुद्धिमता नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी देखा जो अपनी गाड़ी में म्यूजिक सुन रहा है और उसके हाथ पैर थिरक रही है, वो उस समय को एंजॉय कर रहा है, उसका भरपूर सुख ले रहा है। उसने सोचा चलो मैं अभी, मुझे फोन कॉल्स करने थे, मेरे पास टाइम नहीं था, अभी मुझे टाइम मिला है तो मैं एक दो फोन कर लेता हूँ। उसने एक दो फोन भी कर लिए, जो उसको मैसेज देने थे वो भी दे दिए, प्लस उसने अच्छा म्यूजिक भी सुन लिया और उसने अपना ये जो टाइम उसे मिला था उसे बहुत अच्छी तरीके से उसने एंजॉय कर लिया। एक ही परिस्थिति में मन की दो स्थिति हमारे सामने आई, एक स्थिति वो जो इरिटेट हो रहा है, एक स्थिति वो जो इंजॉय कर रहा है। तो परिस्थिति भारी नहीं है। अगर यही परिस्थिति मन को इंजॉय का भी वक्त दे सकती है तो दूसरे को भी दे सकती है। हम परिस्थितियों को दोष देते हैं, परिस्थिति तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन मेरे मन की जो स्थिति है वो अप एंड डाउन ना हो। वो जो अप एंड डाउन होती है, यहाँ फिर मेरे मन को पेन होना शुरू हो जाता है, मन की शक्तियां खत्म होनी शुरू हो जाती है, मन दबाव में आ जाता है, मन भटकाव की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और कहीं ना कहीं इसका जो बहुत बड़ा वार होता है वो मेरी खुशी पर होता है। मना जो हर परिस्थिति का जो प्रभाव होता है, निगेटिव पॉजिटिव, वो हमारे जीवन के आखिर लास्ट में खुशी के ऊपर आके अटक जाता है। बिल्कुल, वो हमारी खुशी को ही खत्म कर देता है, हमारी भी और हमारे अपनों की भी। अब जैसे वो व्यक्ति जो इरिटेट हो रहा है, वो अपने घर पहुंचा, लेट पहुंचा, तो पहले तो बीवी ने इतना लेट कहाँ हो गए तो उसको क्या सुनने को मिलेगा, बच्चे सामने आ गए तो उसको क्या सुनने को मिलेगा, हमारा पूरा ही माहौल खराब। जो इरिटेशन वो वहां से लेकर के आया वो उसके जीवन में तो है ही, उसकी खुशी उसकी शांति तो खत्म हो ही गई, लेकिन जहाँ वो आगे दस्तक देने वाला है वहां भी माहौल पूरा नेगेटिव हो जाएगा, हैवी हो जाएगा, सबके चेहरे उदास निराश हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल Godlywood स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।